तो शायद से ही कोई ऐसी मूवी होगी बिसाइड्स बर्थडे जो कि ऑल्सो इज अ कोरियन मूवी जिसके एंडिंग सीक्वेंस को मैं कभी भुला पाऊं। एक मेंटली चैलेंज इंसान की कहानी जो बस अपनी छोटी सी प्यारी बेटी की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है कैसे एक नकली क्राइम का हिस्सा बन जाता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है, यार लिटरली हैट्स ऑफ। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि मैं मिस्टर रियो सियोंग रियोंग का कितना बड़ा फैन हूँ, मगर यार इस बारी इस मूवी में मिस्टर रियो ने नहीं बल्कि चाइल्ड एक्ट्रेस कल्सो वोन ने सिंगल हैंडेडली इमोशंस के साथ खेल दिया। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 2013 की रिलीज मिरेकल इन सेल नंबर 7 मूवी के बारे में। मूवी इमोशनल, कॉमेडिक एंड ड्रामेटिक होने के साथ साथ एंडिंग सीक्वेंस में थोड़ी सी सरप्राइजिंगली ट्विस्टेड भी है। हालांकि ये ट्विस्ट कोई एपिक लेवल ट्विस्ट नहीं है, मगर या इट वॉज सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलो यार फिर शुरू करते हैं। सीन खुलता है एक लॉयर से जो कि एक कोर्ट रूम में मिस्टर योंगू के केस के बारे में बात कर रही होती है। योंगू जो कि मेंटली चैलेंज्ड है, वो अपनी बेटी येसियोंग के साथ एक शॉप के बाहर सेलर मून शो को देख रहे होते हैं। येसियोंग को सेलर मून वाला बैग चाहिए एंड जिसके लिए ये दोनों हर दिन शॉप के बाहर आकर इस बैग को देखते हैं। येसियोंग अपने डैड से पूछती है कि वो इस बैग को कब खरीद पाएंगे, तो योंगू उसे कहते हैं कि वो उस बैग को उसे कल खरीदवा देंगे। इतने में शॉप के बचे आखिरी सेलर मून के बैग को कमिश्नर की वाइफ अपनी बेटी के लिए खरीद लेती है एंड येसियोंग और उसके डैड ये देख के शॉप के अंदर भागते हैं। योंगू उनसे कहते हैं कि वो उस बैग को हर दिन देखने आते हैं एंड कभी कभी तो दिन में दो बार भी आते हैं। योंगू कमिश्नर की बेटी को देख के कहते हैं कि उनकी बेटी कितनी सुंदर है एंड इतने में कमिश्नर योंगू को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हैं एंड उन्हें फिजिकली हिट भी करते हैं। नाउ सीन कट होता है एंड रात में सोने से पहले योंगू येसियोंग से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे स्कूल के पहले दिन के लिए सेलर मून का बैग जरूर दिलवाएंगे। अगले दिन सुबह योंगू अपने काम पे निकल जाते हैं एंड वो एक मार्ट में एज अ सिक्योरिटी पर्सनल की जॉब करते हैं। काम पे निकलने से पहले येसियोंग उन्हें कहती है कि वो टैप वाटर नहीं बल्कि बॉइल्ड वाटर पिए एंड लंच में स्नैक्स नहीं बल्कि प्रॉपर खाना खाएं। इसके बाद वो 1, 2 एंड 3 काउंट करती है जिसपे योंगू पीछे मुड़ के उसके लिए फनी फेसेस बनाते हैं। नाउ ये चीज आप याद रखना क्योंकि मूवी के एंडिंग सीक्वेंस में इसी चीज के चलते मैं रो गया था। जॉब पर काम करते वक्त कमिश्नर की बेटी योंगू के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने वो सेलर मून वाला बैग खरीद लिया एंड जिसके बाद वो सेलर मून के बैग को देखकर कहते हैं कि उन्हें वो खरीदना है। इसके बाद वो कमिश्नर की बेटी के साथ उसका पीछा करते करते मॉल के बाहर आ जाते हैं। सीन कट होता है एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमिश्नर की बेटी मर गई है एंड योंगू उसकी हेल्प कर रहे हैं, मगर पास से गुजर रही एक औरत को ये सब देखने के बाद लगता है कि योंगू उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो वहां से जोर जोर से चीख कर भाग जाती है। इसके बाद योंगू के ऊपर फेक चार्जेस लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड उन्हें जेल हो जाती है। नाउ यहां से मूवी टाइम टू टाइम इमोशनल एंड फनी सीन से भरी है। जो एक चीज मूवी ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है वो ये है कि इफ एनीथिंग हैपेंस फॉर एनी रीजन वेदर और नॉट इन योर फेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सी द लाइफ एज इट इज। एंड यार परेशानियां तो हर किसी के लाइफ में होती है एंड अगर हम इन परेशानियों को भूलकर लाइफ को एंजॉय करें तो शायद उन मोमेंट्स में भी हमें खुशी मिल जाए जिनमें हमने कभी नहीं सोचा था कि हम खुश रह पाएंगे। जेल की सेल नंबर 7 में योंगू को मिलते हैं मिस्टर बोंगशिक, मिस्टर चुन हो, मिस्टर मैन बियोम, ग्रैंडपा सीओ एंड मिस्टर लीडर। पहले जब इनमेट्स को पता चलता है कि योंगू को एक माइनर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के कारण जेल हुई है तो वो उन्हें मारते हैं, मगर जब उन्हें ये पता चलता है कि योंगू मेंटली चैलेंज्ड है एंड वो समझ जाते हैं कि योंगू को पक्का फंसाया गया है एंड एक वीक विक्टिम और कम एफर्ट्स लगाने के चक्कर में पुलिस ने उन्हें क्रिमिनल बना दिया है, तो ये सारे इनमेट्स एक साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं। जेल में ही रहते रहते योंगू येसियोंग से मिलते हैं एंड येसियोंग को अपने बाकी इनमेट से भी मिलाते हैं। मैंने पहली बार किसी जेल में ऐसे प्रिजनर्स देखे हैं जो कि किसी बेगुनाह को जस्टिस दिलाने के लिए उसे जज के सामने क्या बोलना है उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट याद करवा रहे हैं, उसे उसकी बेटी से टाइम टू टाइम मिलवा रहे हैं एंड मोस्ट एक्सट्रीमली एक हॉट एयर बैलून भी बना रहे हैं ताकि वो दोनों उस हॉट एयर बैलून में उड़ के भाग सकें। नाउ इन्हीं सब के बीच में योंगू की आखिरी सुनवाई का वक्त भी आता है जहां पर ट्रायल से पहले कमिश्नर उन्हें खूब ज्यादा मारते हैं एंड वो उनसे कहते हैं कि अगर वो येसियोंग को जिंदा देखना चाहते हैं तो वो ये कबूल ले कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ वो सब किया है जिसके लिए उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। प्रेशर में आकर और येसियोंग के भले के बारे में सोचकर योंगू कोर्ट में अपने गुनाह को कबूल लेते हैं एंड जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस खबर को सुनकर लॉयर, सेल इंचार्ज बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि योंगू ने आखिर ऐसा क्यों करा। मूवी टाइम फ्रेम में आगे बढ़ती है एंड येसियोंग भी टाइम टू टाइम योंगू से मिलने आती रहती है। योंगू की जो डिसाइडेड डेट होती है वो होती है 23rd of December एंड ये वही सेम डेट होती है जिस दिन येसियोंग का बर्थडे होता है। धीरे धीरे ये तारीख भी नजदीक आ जाती है
येसियोंग के बर्थडे वाले दिन सारे इनमेट्स येसियोंग को गिफ्ट देते हैं, जिसमें योंगू उसे फाइनली सेलर मून का वो बैग गिफ्ट करते हैं। इसके बाद उनकी सजा का टाइम नजदीक आने लगता है एंड वो आखिरी बार येसियोंग के साथ बात करते हैं एंड उसे मैरी क्रिसमस विश करते हैं। अपने डैड को गुड बाय करते वक्त येसियोंग एक बार फिर से 1, 2, 3 बोलती है, मगर दिस टाइम योंगू उसका रिप्लाई नहीं देते, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। एंड ये सुन के योंगू भी भागते भागते येसियोंग को गले लगाकर रोने लगते हैं एंड जोर जोर से चीखते हैं कि कोई उनकी मदद करे, वो गलत थे। मूवी में जो एंडिंग में छोटा सा ट्विस्ट है वो ये है कि जो लॉयर हमें स्टार्टिंग में दिखाई जाती है वो येसियोंग ही होती है। एक्चुअली में वो अपने डैड को जस्टिस दिलाने के लिए सालों तक कोर्ट में उनकी बेगुनाही के लिए केस लड़ रही होती है एंड अब जाके उसे और उसके डैड को जस्टिस सर्व हो ही जाता है। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, जहाँ पर एक आदमी पर एक 9 साल की बच्ची के साथ फेक रेप एंड मर्डर चार्जेस लगाए गए थे। मूवी का एक इंडियन अडेप्टेशन भी है जो कि एक कन्नड़ मूवी है। मूवी का नेम पुष्पक विमान है। बाकी यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियो रिकमेंडेशंस लाइक दिस। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।